तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप HDFC सिक्योरिटीज ऐप को यूज़ कर सकते हो और शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको कंप्लीट डेमो दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है, कैसे उसे बेचना है, कैसे आपको कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले फंड को ऐड करना है, वो भी अपने बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास HDFC सिक्योरिटीज़ का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो और अकाउंट ओपन करना सीख सकते हो। और अकाउंट ओपनिंग लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करनी है, वो भी HDFC सिक्योरिटीज़ के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको HDFC सिक्योरिटीज़ ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर जो भी आपने एमपिन सेट किया है वो एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप होम सेक्शन में रहते हो। यहाँ पे आपको निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स दिख जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे मार्केट अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है। निफ्टी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, जबकि सेंसेक्स इंडिया के टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। इसके अलावा यहाँ पे आपको FNO निफ्टी भी दिख जाएगा। यहाँ पे आप लास्ट डे के टॉप गेनर्स और लूजर्स देख सकते हो, मीन्स पिछले दिन का कौन गेनर था और कौन लूजर था, यहाँ पे आपको वो कंप्लीट लिस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अब यहाँ पे आपको शेयर खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे, मीन्स फंड चाहिए होंगे। तो फंड आप उस बैंक अकाउंट से ऐड करोगे जो आपने अकाउंट बनाते समय HDFC सिक्योरिटी के साथ लिंक किया था। तो यहाँ पे आपको फंड ऐड करने के लिए इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फंड लिमिट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको फंड ऐड करने के लिए ऐड फंड पे क्लिक करना है। अगर आपको बाद में फंड को रिलीज करना हुआ, मीन्स वापस से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना हुआ, तो यहाँ पे आप रिलीज फंड पे क्लिक करके वापस से बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट से HDFC सिक्योरिटीज ऐप में पैसे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर कर देना है। तो मान लो मैं 1000 रुपीज ऐड करना चाहता हूँ, तो अमाउंट टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको फंड ऐड करने के लिए सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है, UPI का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मैंने HDFC सिक्योरिटीज़ के कस्टमर सर्विस से बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जल्द ही UPI का भी ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आप अपने UPI से भी फंड को ऐड कर पाओगे। तो जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है उसका नेट बैंकिंग यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करके लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट देखने को मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ओके। यहाँ पे अब आप देख सकते हो मेरे पास 1000 रुपये का फंड अवेलेबल है जो मैंने अभी ऐड किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे अब आपको इससे बाहर आ जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है, मीन्स उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, और बाद में उसे अगर बेचना हुआ तो कैसे बेचना है। तो यहाँ पे आप टॉप गेनर्स या फिर लूजर्स में से किसी भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है, और तो चाहो तो आप यहाँ पे किसी कंपनी को सर्च भी कर सकते हो डायरेक्टली कंपनी का नाम इंटर करके। तो यहाँ पे मैं किसी कंपनी को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए अडानी पावर सर्च कर लिया। यहाँ पे मैं इक्विटी में बाय करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। उसके बाद जो भी कंपनी आप सर्च करोगे आपको NSE और BSE दो ऑप्शन मिलेंगे। ये दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हैं, दोनों में अप्रॉक्स प्राइस सेम ही रहता है। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिख जाता है। यहाँ पे आप फिर से NSE या फिर BSE चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंपनी का करंट प्राइस दिख जाएगा, आज के दिन शेयर का प्राइस कितना बढ़ा है वो दिख जाएगा। जैसे कि आज के दिन इस शेयर का प्राइस 5 रुपये बढ़ा हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा है 1.47 वो दिख जाता है। यहाँ पे आप ओवरव्यू देख सकते हो, जैसे कि चार्ट देख सकते हो अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए, जैसे कि एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना या फिर एक साल का भी चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे आपको कैंडल्स में भी चार्ट देखने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर यहाँ पे आप कैंडल पे क्लिक कर लेते हो तो आपको यही चार्ट लाइन के बजाय कैंडल्स में दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसका वॉल्यूम दिखाई दे देगा। यहाँ पे आपको इसका आज का ओपनिंग प्राइस दिख जाएगा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस दिख जाएगा, इंट्राडे के लिए क्या इसका लोअर और हाइयर प्राइस हो सकता है वो दिख जाएगा। यहाँ पे आपको 52 वीक्स में क्या इसका लोएस्ट वैल्यू था, मीन्स क्या शेयर का लोएस्ट प्राइस था और क्या शेयर का हाईएस्ट प्राइस जा चुका है वो दिख जाता है। देख सकते हो 70 रुपये से 354 रुपये तक एक साल में इस शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपको इसका मार्केट कैपिटल दिख जाएगा करोड़ में, EPS दिख जाता है, PE रेशियो दिख जाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पे आप मार्केट डेप्थ देख सकते हो, जैसे कि किस बेस्ट प्राइस पे कितने क्वांटिटी को बाय किया जा रहा है और किस बेस्ट प्राइस पे कितने क्वांटिटी को सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट बाइंग प्राइस और बेस्ट सेलिंग प्राइस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको FNO का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी ये स्टॉक FNO में लिस्टेड नहीं है। यहाँ पे आपको इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ दिख जाएगा। यहाँ पे आपको डिलीवरीज, परफॉर्मेंस, जैसे कि ईयर ऑन ईयर इसका क्या परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पे आप मान लो
मैं इस कंपनी के डेटा से सेटिस्फाइड हूँ, मैंने चार्ट स्टडी कर लिया, तो आपको अपने हिसाब से स्टडी कर लेना है। और यहाँ पर अब मैं इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन मिलता है, सिंपली बाय पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बाय करने के लिए बाय पे सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे आपको एनएससी या फिर बीएससी अपने हिसाब से चूज कर लेना है, मैं एनएससी में ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप में कैश सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप में दो ऑप्शन मिलता है, लिमिट और मार्केट। तो लिमिट और मार्केट क्या है इसे समझ लेते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी इसका प्राइस 344 रुपये है और ये घट के 340 रुपये तक जाएगा और मैं 340 रुपये पे ही खरीदना चाहता हूँ, मीन्स आपका मोटिव ये रहेगा कि मैं सस्ते से सस्ते दाम पे खरीदूँ, तो यहाँ पर आप लिमिट लगा करके, लिमिट प्राइस इंटर करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो जैसे ही उसका प्राइस घट करके 340 चला जाएगा आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस घट के 340 नहीं जाता है तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। और अगर आप मार्केट पर सेलेक्ट करके रखते हो तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा उसी पर आपका बाय हो जाएगा। यहाँ पे आप दोनों का कंपैरिजन भी देख सकते हो, एनएससी और बीएससी में कौन सस्ता है। तो कुछ खास अंतर नहीं है, 10-15 पैसे का अंतर होता है। तो यहाँ पे मैंने प्राइस मार्केट पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी इंटर कर देना है कि कितना क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे मान लो 2 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 क्वांटिटी के हिसाब से कितना पे करना होगा वो अमाउंट आ जाएगा फाइनल। यहाँ पे आपको प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फिर से ओवरऑल समरी दिख जाता है। यहाँ पे आपको कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आप गो टू ऑर्डर बुक पे क्लिक करके अपने ऑर्डर्स को जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अभी ऑर्डर किया है अडानी पावर के 2 स्टॉक्स का, जो कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, मीन्स खरीदा जा चुका है। अब अगले दिन से ये खरीदा हुआ स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में भी दिखाई दे देगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि नेट आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आज के दिन आपको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है, आपको टोटल अभी तक में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है जब से आपने इन्वेस्टमेंट चालू की है। तो ये सारा डेटा यहाँ पे आपको दिख जाता है समरी में। इसके अलावा यहाँ पे आपको इक्विटी रिलेटेड स्पेसिफिक समरी भी मिल जाता है और म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी स्पेसिफिक समरी मिल जाता है। तो मैंने अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी में मैंने कुछ दिन पहले SBI का शेयर खरीदा था, जिसका कि अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है 521 रुपया, और जब मैंने खरीदा था तो उसका कितना प्राइस था 466 रुपये, और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है वो भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाता है। मीन्स 11% का रिटर्न मिल चुका है, 54 रुपये की प्रॉफिट हो चुकी है, और मैंने सिर्फ एक ही शेयर खरीदा था। तो अभी जो मैंने शेयर खरीदा वो भी यहाँ पे मेरा ऐड हो जाएगा अगले दिन से मेरे पोर्टफोलियो में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो इंडिया में ढेर सारी कंपनीज है, आप सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइस पर नज़र नहीं रख सकते, तो आपके कुछ फेवरेट कंपनीज होंगे जिनके स्टॉक प्राइस पर आप नज़र रखना चाहते हो डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे आप उनका वॉच लिस्ट क्रिएट करके रख सकते हो, जो भी आपके फेवरेट कंपनीज हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको ऐड स्टॉक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कंपनी को सर्च करके ऐड कर लेना है अपने वॉच लिस्ट में। जैसे कि मान लो मैं टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस पर नज़र रखना चाहता हूँ और मैं उसे वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स सर्च करूँगा, यहाँ पे मुझे कंपनी दिख जाता है और मैं इस तरह से इस पर क्लिक करके इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में 2 कंपनीज मैंने ऐड कर दी, HDFC बैंक और अभी मैंने टाटा मोटर्स ऐड किया। अब बात करते हैं कि कैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसे बेचोगे, या फिर कभी भी अगर आपको किसी भी शेयर को बेचना हुआ तो कैसे आप उसे बेचोगे। इसके लिए आपको सिंपली वापस से अपने पोर्टफोलियो में आ जाना है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा जिसके जिसके शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे आपको इक्विटी में आ जाना है, यहाँ पे आपको कंपनी का लिस्ट मिल जाता है, आप यहाँ पे आपको कंपनी पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सेल करने का ऑप्शन मिल जाता है। मान लो मैंने SBI का 1 क्वांटिटी बाय किया था, अब मुझे प्रॉफिट हो चुका है, अब मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, तो आपको सिंपली यहाँ पे सेल कर देना है सेल पे क्लिक करके। यहाँ पे अब आपको सेल पे सेलेक्ट करके रखना है, यहाँ पे आपको NSE सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको कैश में सेलेक्ट करके रखना है, यहाँ पे आप मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहते हो तो मार्केट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी इंटर कर देना है कि कितने क्वांटिटी को आप सेल करना चाहते हो। तो मेरे पास एक ही क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा तो मैं सेल कर नहीं सकता। तो क्वांटिटी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको समरी ओवरऑल दिख जाता है। यहाँ पे आपको कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक को सेल करने के लिए टीपिन चाहिए होगा, तो अगर आपके पास टीपिन नहीं है या फिर आप भूल गए हो तो यहाँ पे आपको टीपिन नया बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको BOID नंबर और अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ अभी, और यहाँ पे आपको इस पर टिक कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑथराइज नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपको अपना टीपिन याद है तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो, यहाँ पे मुझे याद नहीं है तो मुझे क्लिक हियर टू जनरेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मैंने BOID नंबर कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना पैन कार्ड नंबर भी इंटर कर देना है।
और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, देख सकते हो ओटीपी आ चुका है CDSL द्वारा। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो टीपी मेरा सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है और मेरे मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे सेंड कर दिया गया है। देख सकते हो मैसेज में आ चुका है टीपिन। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है, क्लिक हियर टू गो बैक। अब यहाँ पे आपको बैक पे क्लिक करके अपना टीपिन इंटर करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने ऑर्डर का समरी दिख जाता है, यहाँ पे आपको कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस हो जाता है, मेरा स्टॉक सक्सेसफुली सेल हो जाता है और सेल करने के बाद जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे फंड्स में शो हो जाएगा और 2 दिन बाद आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। मीन्स सेल करने के बाद जो भी फंड आपको मिलेगा वो आप 2 दिन बाद विड्रॉ कर पाओगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डेमो कि कैसे आपको किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना है, कैसे उसे सेल करना है। अब अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको HDFC सिक्योरिटीज से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो इस चैनल से जुड़े हैं अभी के लिए, बाय बाय।